सब भी इस शोक सभा में शामिल हो। ऐसे कैसे शोक सभा रख दी आपने? अभी तो देखिए डेड बॉडी भी नहीं मिली है। मगर मेरा दिल कहता है, हमें पूरा यकीन है कि थी कभी ना कभी जरूर आएंगी, जरूर ठीक होंगी। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पूजा कैसे कर सकते हैं? साक्षी बिल्कुल ठीक बोल रही है मिश्रा, मैं भी इस बात को नहीं मानता। मुझे मालूम है देविका सिंधा है, ये सब झूठ है, ये गलत है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों पर क्या बीत रही है। आप लोगों का ये कहना बिल्कुल सही है। देखिए मैंने पंडित जी से बात की थी, उन्हें सब कुछ बताया कि पहाड़ियों पर क्या हुआ, किस तरह देविका की, और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि आप सब बहुत स्वार्थी बन रहे हैं, झूठी उम्मीदें रखकर देविका की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। देविका की आत्मा की शांति के लिए ये करना जरूरी है। अब आप ही मुझसे कहिए, अगर वो सच में मर गई है तो क्या हमारा ये एटीट्यूड सही होगा? नहीं ना, उसकी आत्मा की शांति के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है। रवि तुम तो समझने की कोशिश करो। कोई चाहे कुछ भी कर, मुझे विश्वास है देविका से था। वो नहीं मरी। रवि, रवि अपने आप को संभालो। रवि वो जो कुछ भी कह रही है सही तो कह रही है। हम हमारे देविका को तेरे कच कच को मैं अपने लाडो को बहुत प्यार कर, लेकिन रवि हमारा ये प्यार और उसकी जिंदा रहने की आशा हमें और स्वार्थी बना रहा है। हमारी वजह से अपने लाडो को मुक्ति नहीं मिल पाएगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रवि रवि हम जाएंगे उसके शोक सभा में, हमारा वहां जाना फर्ज बनता है। ठीक है चाची, अगर आप कहती है ना तो मैं चलूंगा, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि देविका मर चुकी। मुझे पता वो सिर्फ बाप के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं ये भी करूंगा। वंडरफुल, एटलीस्ट रवि ने शोक सभा में शामिल होने के लिए हाँ तो कह दिया। दैट्स इट, यही मौका चाहिए था मुझे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आंटी जी आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। सब शोक सभा में पहुंच चुके हैं, अब घर पर कोई नहीं है। अब मैंने जो तुमसे कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना, पूरे घर को आग लगा दो, एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। रवि के कमरे में लगी हर तस्वीर, हर कपड़े, देविका की सारी साड़ियां, जो कुछ भी देविका का है उसे जलाकर राख कर दो। सब कुछ जलकर राख हो जाना चाहिए, समझे तुम? अगर कुछ भी बच गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसी एक भी चीज देविका की बच जाए जिससे रवि के मन में देविका की याद ताजा हो जाए। ना ये घर रहेगा और ना ही देविका की यादें। जो अन्याय को चुपचाप सहता है वो अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी देविका, और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी सच्चाई। अपनी नारी शक्ति को पहचानो। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की वो आबाद कैसे रह सकते हैं? जो सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं उन सवालों के जवाब ढूंढो, तो उनके कर्मों के काले चिट्ठे खुद ब खुद खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। फिर हम वार करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, फिर तुम्हारे रूप में अंबे माँ काली माँ बन जाएगी। हम माँ बेटी मिलकर ये जंग जीत जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज सही है। मैं जीऊंगी, मैं लड़ूंगी अपने इंसाफ के लिए। अंबे माँ ने इसीलिए मुझे नया जीवन दान दिया है, और अब जिस किसी ने मेरे साथ गलत किया है मैं उसे बख्शूंगी नहीं। अब मेरा प्रतिशोध ही मेरे जीने का मकसद होगा। Thank you.
तो मेरे पास सिर्फ तुम्हारी यादें बची हैं देविका, मेरे दिल में, घर में और हमारे कमरे में। एक एक चीज अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा मैं, उन्हीं यादों के सहारे जीऊंगा मैं देविका, और हर पल बस यही उम्मीद करता रहूंगा कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें वापस लेकर आएगा मेरे पास। तुम आओगे ना देविका? देविका, जितना प्यार मैंने तुमसे किया उतना प्यार मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की से नहीं किया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं कभी ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। अगले जन्म में मिलते हैं। बस रवि, अब धीरे धीरे तुम्हारी आंखों से ये आंसू बहना बंद हो जाएंगे। मैंने तुम्हारी सारी यादें मिटा दी हैं। मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान लौटा दूंगी। हम दोनों की नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ नई यादें बना लो, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। अरे वाह, आप आ गई तो बैठिए। बाकी की सारी कंजकियां कहाँ हैं? देखो मैंने सारी तैयारियां करके रखी। वो आ रही है, मैं सबसे फर्स्ट चलती हूँ ना, इसलिए पहले आ गई। ये भी बहुत अच्छी बात, आप सुपर फास्ट सबसे पहले आई हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले तैयार कर देती हूँ। मेरा तो नाम प्रीति है। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन आप जैसे सभी नन्ही परियों को माता रानी का अवतार माना जाता है, और इसीलिए उनको कंजके बुलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, सुंदर तरीके से उन्हें सजाया जाता है। देखो तू, मेरी लाडो कितनी सोनी लग रही है, और तू तो है ही रब्दी पुत्र, बिल्कुल माता रानी की तरह। लाडू नहीं नहीं कंजी का बोलो, कंजी का। आपको पता है आज आप बिल्कुल मेरे देविका की तरह दिख रही हैं। वो भी आपकी तरह इतनी ही सुंदर थी, और हर साल माता के जगराते में मैं उसको आपकी तरह सजा के सवार के लेके जाती थी, उसका माता रानी की तरह श्रृंगार करती थी, उसके भी सर पे ऐसे ही दुपट्टा चढ़ाती थी, और बहुत सुंदर दिखती थी। सर पे चुनरी, हाथ त्रिशूल, जैसे साक्षात अंबे माँ का अंश। उसका नाम है देविका, लेकिन मैं उसे बचपन से लाडू ही पुकारती थी, वो थी ही इतनी लाडली। आपको पता है उसे भी बिल्कुल आपकी तरह सजना सवरना बहुत पसंद था,
ऐसे ही सजती थी, मटकती रहती थी। और हाँ, उसे रंग बिरंगी चुनरिया तो बहुत ही पसंद थी। और आपको पता है, उसके सर पे मांग टीका ऐसे सजता था कि मानो अम्बे माँ ने साक्षात अपने हाथों से सजाया हो। आज आप बिल्कुल मेरे देविका की तरह ही दिख रही हो। आंटी, आप टेन टाइम्स देविका देविका बोल रही हो। कौन है ये देविका? देविका मेरी बेटी है। आंटी, पर मैंने आपके घर में सिर्फ दो ही बेटियां देखी है, एक पल्लवी दी और एक साक्षी दी। फिर देविका आपकी बेटी कैसे? उसने भले ही मेरे कोख से जन्म ना लिया, लेकिन वो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। वो आपकी इतनी फेवरेट क्यों थी? क्या वो बहुत अच्छी है? सबसे अच्छी। फिर मुझे भी उनसे मिलवा दो ना। कहाँ है देविका दी आंटी? कहाँ है देविका दी आंटी? बेटा, वो माँ, मैं मंदिर घर में हूँ पल्लवी। अरे माँ सुनिए जल्दी। मैं अभी आती हूँ। माँ, क्या हो गया पल्लवी? माँ मेरे एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मैं 2 घंटे में आ रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे जाएगी तू? इतनी सारी कंजकी आई, हमें उनकी पूजा भी तो करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि मैं मुझे वहाँ टाइम पे पहुँचना। अच्छा बाबा, सब कर लूंगी, जल्दी से कर लूंगी। चल प्रीति, आ जा। दीदी, एक देविका दीदी कहा है, उनको भी बुलाओ ना। अरे बाप रे, मेरी सारी नन्ही परिया फर्स्ट आई है ना। बच्चों, तुम लोग बाहर जाके सोफा पे बैठो, हम लोग अभी आते। जा प्रीति। माँ, ये देविका दी के बारे में कैसे? वो दरअसल पल्लवी, मैं ही प्रीति को लाडू के बारे में बता रही थी। मैं उसको ये भी बता रही थी कि मेरे लाडू तो देवी माँ का अंश है ना। माँ, 9 महीने हो चुके हैं देखो गए हुए, और आप तो सबसे ऐसे बात कर रही है जैसे दी कहीं आसपास ही हो। मैं जानती हूँ आप दी से कितना प्यार करती थी, आपकी लाडली थी वो, लेकिन माँ 9 महीने पहले तेज दुनिया से जा चुकी है। ये तू तो क्या बात कर रही है पल्लवी? मैं तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरे लाडू को कुछ नहीं हुआ है, वो जहाँ कहीं भी है वो सही सलामत है। मुझे अपने अम्बे माँ पे पूरा विश्वास है, और ये तो तू भी जानती है कि मेरे देविका में देवी का अंश है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। माँ, तुझे जाना है ना जल्दी, चल अपन इकट्ठे कंजकों की पूजा कर लेते, फिर तो अपने काम के लिए चली जाना। चल। नौ महीने बीत चुके हैं, लेकिन माँ ने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है। की मौत की सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं है, अभी भी उनके बारे में सोचती है, उनका इंतजार करती है। दूसरी तरफ रवि जीजू भी संभल गए हैं, और देविका दी के ससुराल वाले, उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको देखकर तो लगता है कि दी को कभी याद भी नहीं करते होंगे। अब तो बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, वो सब तो ऐश मनाने में बिजी है। वड्डा वाला थैंक यू है। श्वेता, फोन। मामा, इट्स योर्स। मेरा वाला योर्स? ओके ओके। पापी बाबा, तुम्हारे लिए नहीं है। मिसेस कोचर। मिसेस कोचर चाची, कितने लीचड़ है ना ये मिसेस कोचर, सारा पैसा लूट लिया हमारा, फिर भी पेट नहीं भरा इसका। यस यस श्वेता, आई नो यू नो, मिसेस खोचर ऑलवेज विंडिंग। चाची, विंडिंग नहीं, विनिंग। आई नो, टॉक टू माय हाथ हैंड। शेम टू शेम। आजा। ओ मिसेस खोचर, फटीचर फटे हाल थोड़ी है जो हारने पे रोएंगे। हाँ जी हाँ, अब जुए में 1-1.5 लाख तो इधर हो ही जाता है जी।
हाँ जी जरूर आएंगे, कल भी जरूर आएंगे। अब जी अमीर है तो अमीरों के शौक तो पालेंगे ही ना। अब जी क्या बताऊं, इतना पैसा है, इतना पैसा है, अब इतने पैसे का मैंने अचार डालना है, है? अब जी क्या बताऊं, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नहीं जी आप समझ लो जी कुबेर का खजाना है जी मेरे पास, खत्म ही नहीं होता। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो जी कल मिलते हैं, गुड बाय जी। वो दे ना, तुम लोगों की सूरत ऐसे गरीबों वाली क्यों बना रखी है भाई, और मेरी वजह से इतनी बड़ी कोठी में आए हो, अभी अभी एसी ठंडी वाली कार में तुम्हें घुमा के लाई हूँ, और भाई इतनी ऐश कर रहे हो तो खुश रहा करो। बिग बिग कोठी, वाह, मिस लूथरा की है। ओ ठंडी ठंडी कूल कूल गड्डी। चाची वो भी मिस लूथरा का है। हाँ गल तो ठीक है, ऊपर आज तो हमने हद ही पार कर दी ना, 1.5 लाख का चूना लाता। अरे छोड़ो, मजा तो आया ना। हाँ बहुत मजा आया जी, बहुत मजा आया। मजा तो आया मम्मी जी, मैं तो ये सोचती हूँ मिस लूथरा के बच्चे को पता चला ना, देखना ये हमारा क्या हाल करती है, कच्चा ही चुप आ जाएगी हमें। श्वेता बेबी, मंजू हैगी ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है, और आज तो हम अगर 1.5 लाख के बजाय 15 लाख भी हार जाते ना तो भी नवेदिता जी ने कुछ नहीं कहना था। क्या बात कर रहे हो, तो मैंने काम ही ऐसा किया है। वॉट वॉट दिखाऊ, ज्योति ओ ज्योति जल्दी आ। ओह स्पीड को ब्रेक लगा राम नाल, भाई मेरे पप्पी ने डर जाना है, और राम नाल जब देखो दौड़ती रहती है ये भी। हाँ, आप इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम जी, कुछ करना है? बस कर, बस कर, बस कर, बस कर। पहले खुद दौड़ रही थी, अब जुबान दौड़ रही है। और ये बता वो कार्ड आ गए? कौन सी वाली कार्ड, वो जो आप खेलती हो या जो कोई बाहर से लेके आने वाला था वाली? ज्यादा होशियारी ना दिखा, वो वाले कार्ड है हमारे पास, वो जो आने वाले थे वो बता। हाँ तो ऐसे बोलो ना जी, वो तो कब के आ गए? ओए तू कितना बक बक करें, पपड़ 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 बोलती रहती है, जबान को लगाम दे। वो तो जी जिसके पास दिमाग होगा वही चलाएगा, और मैं तो बचपन से बहुत समझदार हूँ जी। जितना कहा है उतना करो, जाओ कार्ड लेकर आओ। थक गया। वैसे मम्मी जी ये कौन से कार्ड की बात कर रही हैं? ओह आईटेल आईटेल, अरे स्टूपिड तुझे इतना भी नहीं पता, और रवि और मिस लूथरा के एनकरेजमेंट का कार्ड। हाँ चाची इंगेजमेंट। अब घर आ रहे हो, कहाँ थे सुबह से? लंदन गई थी। क्यों कोई प्रॉब्लम? बहुत थक गई हूँ, जरा ये मेरा पर्स अंदर रख दोगे? अच्छा किस बात की इतनी थकान है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि 10 मिनट का बोझा अपने कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर दौड़कर आ रही हो। जुआ खेलने गए थे ना? वो तो क्या हो गया, वो अमीर लोग हैं, अमीरों का शौक ऐसे होते हैं, उनका टाइम ऐसे ही पास होता है, पर तुझे भी तो शौक है घर पे वेला बैठने का। ये लो कार्ड। हाँ जी चल पप्पी बाबा को लेके जा, इन्हें नींबू पानी पिला जा। चल चल बाय। ये देखो हजारों कार्ड्स में से छाटा है तब मुझे ये कार्ड पसंद आया है, देखो है ना कितना सुंदर का। ओ जी, ओ जी अच्छा हुआ जी आप आ गए, और देखो जी कितना सुंदर कार्ड बनवाया मैंने आपके लिए, ये देखो जी। और इतनी देर से क्यों आई, इनके आने से पहले आना था ना? हेलो जी, वो मैडम जी क्या है ना, मैं वो देवी का मैडम जी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं देवी का खबरदार जो ये नाम किसी ने भी लिया